वेलकम फ्रेंड्स, लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ तेलुगु मूवी द फैमिली स्टार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी को 5 अप्रैल 2024 को 1600 स्क्रीन्स के साथ वर्ल्ड वाइड में रिलीज किया गया था, जिसके लीड रोल में हमें विजय देवरकोंडा और उनके अपोजिट एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर देखने को मिली थी। मूवी के अगर प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो दी फैमिली स्टार मूवी ने अपने रिलीज से पहले 44 करोड़ रुपीस का प्री रिलीज बिजनेस किया था। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो मूवी ने अपने पहले दिन 5 करोड़ 75 लाख रुपीस की ओपनिंग ली थी। मूवी ने जो फर्स्ट वीक में नेट कलेक्शन किया था वो 18 करोड़ 25 लाख रुपीस का रहा था। मूवी के अगर इंडिया के टोटल नेट कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 21 करोड़ 50 लाख रुपीस का नेट कलेक्शन किया था। मूवी के अगर इंडिया के टोटल ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 1 करोड़ 25 लाख रुपीस का ग्रॉस कलेक्शन किया था। मूवी के अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें यानी इंडिया के बाहर, तो मूवी ने 8 करोड़ 50 लाख रुपीस का ओवरसीज से कलेक्शन किया था। और इसी के साथ दी फैमिली स्टार मूवी का जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था वो 31 करोड़ 25 लाख रुपीस का रहा था। मूवी का बजट 50 करोड़ रुपीस का था। 50 करोड़ रुपीस के हिसाब से मूवी के वर्डिक्ट की बात करें यानी हिट और फ्लॉप के बारे में, तो बता दूं गाइस, द फैमिली स्टार मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल वीडियो में आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।